अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां 4000 की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पुष्पा सिंह पत्नी मगरध्वज सिंह निवासी ग्राम छिजवार चौकी नौबस्ता थाना चौराटा जिला रीवा की है। आरोप है कि उनके पुत्र आजाद सिंह को जागेश्वर सोनी अपने साथ में बैठाकर खिलाता पिलाता था, जिसके एवज में उसने उनके बेटे पर 4000 का उधारी बना दिया था। बाद में मांग करने लगा कि मैं तुमको 4000 का खिला पिला चुका हूँ, अब मेरा ब्याज सहित पैसा दे दो। ठगी कर कहा कि तुम्हारे घर में जो भी जेवरात रखे हैं उसे लेकर आओ। फिर पुष्पा सिंह के बेटे आजाद सिंह ने 12 लैकेट की सोने की मनचली, 17 तोला चांदी का पायल, मंगलसूत्र, 4 नग बिछिया सहित कुल 1,00,000 रुपए कीमती जेवरात ठगी कर ले गया। जब महिला ने अपने बेटे को पैसे देकर कहा कि जाओ हमारे जेवरात वापस मांग कर लाओ, तो आरोपी बोला कौन सा पैसा, हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं लिए हैं। वहीं जागेश्वर सोनी, लल्लू सोनी, रामरूप सोनी और ददन सोनी, इन चारों ने मिलकर पीड़ित महिला के बेटे के साथ मारपीट की है। थाने में कोई कार्यवाही ना होने पर पीड़ित महिला ने SP कार्यालय में आवेदन दिया है। आइए सुनाते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा। ये बोल रहा है मेरी अगर बात मानती हूँ तुम लोग, हाँ थोड़ी बहुत 4000 में खर्चा करवा जमानत करवाओ बिल ले मतलब निकल ये सब हो अपना की सब बात मान के अपना की बात मान के जन सुन लिया बताइए। यह हम पूरा जेवर दे दिए। अच्छा जेवर चलता रही। हाँ बाबू जेवर लाई है, ऊपर एक दिन हम आवेदन लगा हम जीवर बहुत चले बाबू, वो है 4000 की जीवर तक फिर उसमें हो। हाँ इसीलिए बात बात बोल रहे कि मेरा पूरा जीवर चमत कर। हाँ करेंगे। हाँ अभी नाचे नहीं दो दादा भाई बहुत लय। हाँ घटना हुई है कि जागेश्वर सोनी हमारे लड़का के साथ रहता था, अपना ही पैसा देता था और वो पिलाता खिलाता था, वही पैसा आप खा लेता था। फिर हमारे लड़का से बोला मेरा पैसा 4000 हो गया है, अब मेरा पैसा दे। मेरा बच्चा बोला भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम जाएंगे परदेश तो ला के देंगे तुमको पैसा। तो बोला जो कुछ मिला है तुम्हारे घर में अपने मम्मी के पास जो था उसी ला के अभी दे दे हमें, फिर जब तुम्हारी मम्मी का जेवर हम वापस कर देंगे, जब तू मेरा पैसा दे देगा 4000 तो मैं दे दूँगा। तो फिर हमें जब पता चला हम वहाँ गए चौकी, चौकी में भी अपना रिपोर्ट दर्ज करवाए, यहीं छिज नवस्ता चौकी में। तो वहाँ से बोले कि तुम ठीक है, अभी हम बोले कि ठीक है हमारा पैसा देने के लिए बोल रहा है जेवर, जब वो हम जिस दिन के लिए वादा किया बच्चे को पैसा देकर हम 4000 के जगह में 6000 दिए, हमारा बच्चा पैसा लेके गया तो वो पैसा तो ले लिया, खाया पिया और बोला ठीक है मैं लाता हूँ, चल नदिया के पास वहीं खड़ा रहेगा हम ला के तुम्हें देगा। वो बोला हमारा लड़का नहीं वहाँ काहे के लिए ले जा रहे हो, कुछ दूर गया फिर खड़ा रहा, फिर पता नहीं वो कहाँ तक गया, फिर लौट के आया। जब मेरा बालक बोला अंकल जी दो ना हमारा चीज़, बोला क्या दिया था आपने सामान में? सामान में दिया था 17 तोला का पायल था और काने का वाला था और 12 लैकेट का मंजली थी, काने का झुमका था और बिछिया पैर का थी। इसकी शिकायत आपने चौकी में की थी? हाँ चौकी में किए थे। वहाँ सामान कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन जब मेरा बालक मांगा पैसा तो बोला कहाँ का तुम्हारा हम नहीं लिए हैं कुछ। फिर हमारे बच्चा को मारे पीटे, मार पीट रहे थे तीनों मिलके। कौन कौन थे? 4 थे, एक जागेश्वर सोनी था, एक लल्लू सोनी था, उसके एक राम रूप सोनी था, एक ददन सोनी उफ्र। जब शिकायत हुई तो वहाँ पर क्या बोला गया? वहाँ पर बोला गया कि ठीक है, सुनवाई तो कहीं ठीक है, हम बोले कि उनको पकड़िए, बोले कि पकड़े तो उनको नहीं। फिर उसके बाद चौथे दिन की बात है, हम जब हमको देने के लिए वो बोला लड़का को भेज देना पैसा दे के, हम पैसा दे के लड़का को भेजे, पैसा लेके गया, पैसा भी ले लिया, मेरा जेवर भी नहीं दिया। थाने में पैसे की मांग की गई थी? पैसे जब मार पीट हुआ उसके बाद फिर हम गए थाना रिपोर्ट करने। पहले तो जब मार पीट हुई हम सुने तो हम दौड़े, जब हल्ला हुआ बहुत आदमी जुड़ गए थे, हम थोड़ी दूर में दुकान लगाए थे, जब हम गए तो मार रहे थे और लोग बोले जाओ तुम्हारे बच्चे को 3-3 4-4 लोग मार रहे हैं,
जब हम गए तो दो लोग हमारे बच्चे को मार रहे, तीन दो लोग हमको मारने लगे, हमें भी मारे। राजकुमार यादव आया और थाने में जब शिकायत हुई तो आपके द्वारा पैसे की मांग की गई। फिर हाँ, जब हम थाने गए रिपोर्ट करने तो मेरे से पैसे के द्वारे मांग की गई, 5,000 मांगे। सुखेंद्र सिंह परिहार, सुखेंद्र सिंह परिहार मुंशी में है, तो मैं 1,000 दी। हमारे पास, हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे करके बोले 4,000 हमें और चाहिए। उसका हम वीडियो भी बनाए हैं। हम गरीब दो पैसे की सब्जी बेचते हैं, हम चाहते हैं। आज 10वां दिन है, उनके आरोपी आवारा घूम रहे हैं, तो हम इंसाफ चाहते हैं कि उनके लिए।